नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय मौजूद हूं बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 47 पर। आप जो मेरे पीछे बस देख रहे हैं, ये इस तरीके की करीबन 200 से ज़्यादा बसें पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर से, रतलाम रूरल से, गुजरात के राजकोट और सौराष्ट्र की ओर जाती हैं, मोरबी और हिम्मतनगर की ओर जाती हैं। दरअसल इन बसों को नेशनल टूरिस्ट परमिट के नाम पर चलाया जाता है, यानी सरकार के रिकॉर्ड में ये बसें टूरिस्टों को लेकर गुजरात जा रही हैं। आज हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे कि ये टूरिस्ट हैं कि मजबूर मजदूर हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। तो सरकार नेशनल टूरिस्ट परमिट के जरिए ये बताती है कि झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन और अलीराजपुर से टूरिस्ट 200 से ज़्यादा बसों के जरिए गुजरात घूमने जाते हैं। अब मेरे साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोग खड़े हैं, ये वही हैं जिनको सरकार टूरिस्ट बताती है। अब इनसे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? दरु। दरु भाई, घूमने जा रहे हो या काम करने जा रहे हो? काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने। मजदूरी करने। हाँ। कहाँ पे काम करोगे आप? मैं मोरबी जा रहा हूँ, कारखाने में काम करूँगा। यहाँ पे काम नहीं मिल रहा आपको? इधर तो काम नहीं मिल रहा सर, काम नहीं मिल रहा। तला वाला सड़क अड़क का काम? कुछ काम नहीं मिल रहा, सब तला वाला आता वो जैसे भी से हो जाता। हाँ। और कोई सड़क वड़क आते वो तो ठेकेदार आ जाता। हाँ। हमको गामड़े गांव का कोई मनरेगा में काम नहीं मिलता। हाँ, मजबूरी है जाना। हाँ। और यहाँ काम मिले तो? तो इधर ही रुक जाते हैं, यहाँ काम मिले तो इधर ही रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसलिए जाते हैं। नहीं, इधर भी मिलता है, 350 रुपया मिलते हैं हमको। हाँ। यहाँ 200 में मिले तो भी काम चल जाए? हाँ, चल जाए। उधर घर का खाना और 200 रुपया मिल जाता, चल जाता। हाँ। आप बताइए, आप भी जा रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ। आप तो युवा हो, अभी तो पढ़ाई करने की उम्र है? पढ़ाई करने की उम्र अभी तो लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बंद है, अभी अभी थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ही चल रहा। मतलब आप वहाँ पे क्या काम करोगे गुजरात में? प्योर ब्लॉक बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? प्योर ब्लॉक। अच्छा, कितना पैसा मिल जाता है वहाँ पे? हमारी हाजिरी 400 रुपये रहे। तो आप घूमने जा रहे हो सरकार के अनुसार या मजदूरी करने जा रहे हो? मैं काम करने के लिए जा रहा। पर ये जो टूरिस्ट बसें हैं, ये तो कह रही है कि टूरिस्ट के रूप में ले जा रहे हैं ना? ये तो हम 500 रुपये भाड़ा देते हैं, फिर भी बैठने की जगह नहीं मिलती। हाँ। खड़े खड़े लोग जाते हैं। अच्छा, एक 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 सीट में 10-10 15-15 बिठा के ले जाते हैं, व्यवस्थित हमको जगह नहीं देते। अच्छा। तो ये आप लोग विरोध नहीं करते उसका? इसको बोलते तो बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना है तो चले जाओ, यूँ बोलते हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे काम मिल जाए तो मजबूरी है, वह बाहर जाना, बाहर नहीं जाना पड़ेगा? यहीं पे काम मिलेगा तो गुजरात में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, परिवार के बीच में रहेंगे। हाँ। और भी हैं, आपका क्या नाम है? भिल्ला। आप कौन से गांव के हो? ढेबर। ढेबर। क्यों जा रहे हो गुजरात? काम करने जा रहे सर। क्या गांव में काम नहीं है? कुछ काम नहीं चल रहा तो क्या करेगा, बैठे बैठे घर। तो बीच में तो अभी तला वाला सब चलाए थे सरकार के लिए। कहाँ चलाए सर, उसको तो मालूम भी नहीं पड़ा हमको। कहाँ चले तला वो भी मालूम नहीं है, कहाँ रोड बन रहे वो भी मालूम नहीं है। गांव में मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिली, इसलिए जा रहे गुजरात सीधे। वहाँ कितनी मिलती है? 300-350 बस। तो आपके साथ कौन कौन जा रहा है? बस ये बैठे दो लड़के और ये इनका परिवार, ये देखिए, ये पूरा परिवार लेकर जा रहा हूँ सर। क्या और ये पोटला पोटली सभी इनके हैं। तो वहाँ पे आप कहाँ रहोगे? बस ऐसे झोपड़ी बनाना पड़ेगा सर, ऐसे ठंड में उसके नीचे। हाँ, वहाँ झोपड़ी बना के रहना पड़ेगा, और क्या करेगा। तो ये जो बसों में आप जाते हो, ये बस तो कह रही है कि आप टूरिस्ट बन के जा रहे हो घूमने फिरने? नहीं, इसमें तो लेगा 400-500 रुपये और देख में भरेगा बकरा जैसे। बकरे कैसे भर दिया अपन ने, इसे भर देगा, 10-10 डालेगा एक से एक छोपे में। फिर भी मजबूरी है ना? हाँ, मजबूरी के पीछे जाना पड़ रहा है सर, क्या करें। देखिए, ये वो टूरिस्ट हैं जिनको सरकार टूरिस्ट बता रही है, नेशनल टूरिस्ट परमिट के नाम पर ये बसें इन मजदूरों को पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों से लेकर जाती है। ये है जमीनी हकीकत। सरकारी दावे कैसे हैं रोजगार देने के स्वर्णिम मध्य प्रदेश के, और ये हकीकत क्या है इन आदिवासियों के मुंह से आपने सुनी। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे बसों के अंदर जाके, बन रही है हमारे साथ। तो इस समय एक बस यहाँ पर आई है जो गुजरात के मोरबी जाएगी। अब ये देखिए, ये बस है और इसमें अभी यहाँ पर कई यात्री सवार हो गए हैं। ये स्टाफ है इनका, क्या नाम है आपका?
राहुल भाई। राहुल, ये कौन सा परमिट है? कौन सा है? नेशनल टूरिस्ट परमिट। नेशनल टूरिस्ट परमिट है। और ये कहाँ तक जाएगी? मोरबी तक। आप आ जाओ ना, आप इधर आ जाओ। आप बताओ, ये कितने यात्री इसमें जा रहे हैं आपके? सर है 30 सवारी। 30 सवारी। तो ये मोरबी में जो लोग जा रहे हैं ये कौन है? सर मजदूर है। मजदूर है। हाँ। तो ये तो आपका जो परमिट है ये तो नेशनल टूरिस्ट परमिट है, तो इस परमिट पे है ना गाड़ी? चलिए ठीक है, अंदर कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, आइए। आप कहाँ जा रहे हो? मोरबी जा रहे हो? हाँ। किस लिए जा रहे हो? काम धंधा करने। काम धंधा? यहाँ काम धंधा नहीं है? यहाँ क्या है, कुछ तो नहीं है। तो सरकार कह रही है उन्होंने काम खोला मनरेगा में। कोई सरकार का कोई काम ही नहीं मिला। नहीं मिला है। हाँ। इसलिए जाना पड़ रहा है। हाँ? तो घूमने फिरने जा रहे हो कि मजदूरी करने? मजदूरी करने। आप बताओ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मोरबी। मोरबी। हाँ। मजदूरी करोगे? हाँ मजदूरी। अच्छा, तो आपके गाँव में काम वाम नहीं खुल रहा है सरकार का? कोई काम वाम नहीं खुला। तो टूरिस्ट बस है, सरकार कह रही है घूमने के लिए जो बसें परमिट होती वो है, आप तो मजदूर करने। चलिए कुछ और लोगों से हम बात। मोरबी। मोरबी क्या करने? काम करने। काम की तलाश में? यहाँ काम नहीं मिला आपको? काम नहीं मिला। नहीं आपको? सरकार तालाब वालाव नहीं खोल रही? कुछ भी नहीं खोल रही। तो फ्री अनाज दे रही फिर भी नहीं जा, फिर भी जा रहे हो आप? तो फ्री अनाज में का पैसे जो है। चलो भैया आप बताओ कहाँ जा रहे हो? मोरबी। मोरबी कौन से गांव के हो? दत्ती गांव के। दत्ती गांव के। दत्ती गांव में काम नहीं है? नहीं है। तो पंचायत ने काम वाम नहीं खोला आपके यहाँ? नहीं खोला। मजबूरी में जाना है? आप भैया कहाँ के हो? दतुरिया का। दतुरिया। क्या मजदूरी करने जा रहे हो? मजदूरी करने। अच्छा दादा इधर आड़ में है, ये देखिए इस तरीके से जा रहे हैं। भैया आप बताओ कहाँ जा रहे हो? मोरबी जा रहे हैं। मोरबी कौन से गांव के हो? दसई। दसई के। दसई में काम नहीं मिल रहा आपको? क्या काम मिला, 200 रुपये में क्या मिलता है, तेल शक्कर ही आता है उसमें तो। मजबूरी में जाना है? हाँ मजदूरी में जा रहे हैं। मोरबी। तो मोरबी क्यों जा रहे हो? काम करने। यहाँ काम नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता, इसलिए जाना पड़ता है। मजबूरी है? मजबूरी। तो आप घूमने फिरने जा रहे हो कि मजदूरी करने जा रहे हो? काम करने जा रहे। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? मड़िया। तो बस के अंदर आपने देखा कि ये बस दरअसल टूरिस्ट परमिट की बस है, यानी कि सरकार कह रही है कि ये घूमने के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए परमिट जारी किया गया, लेकिन हमने आपको लोगों से बात करके बताया कि ये टूरिस्ट नहीं है बल्कि मजदूर हैं और मजबूरी में जाने के लिए मजबूर हैं। आप भी जा रहे हो? हाँ हम भी जा रहे। कहाँ के हो आप? बरमंडल। तो क्या वहाँ काम नहीं है आपके? नहीं है ना कुछ भी। आप कहाँ पे काम करोगे? मोरबी में। देखिए हर किसी की यही कहानी यही मजबूरी। दरअसल पलायन को सरकार और अफसर ये नाम देते हैं कि ज़्यादा आमदनी के चक्कर में ये लोग बाहर जाते हैं। सवाल ये है कि अगर यहाँ पे पर्याप्त आमदनी के माहौल बन जाए, रोज़गार मिल जाए, तो क्यों कोई अपने घर परिवार बूढ़े माँ बाप और बच्चों को छोड़ के जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसे सरकारी तंत्र जो कि निष्ठुर हो चुका है वो सोचने को तैयार नहीं है। तमाम दावे हैं, दावों के बीच हकीकत क्या है हमने आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताई। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।